हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आम गोटे कंप्यूटर टी एसेम्बली करिया। एटा गोटे मोर पुराणा कंप्यूटर। मु आपन को कहिबी कंप्यूटर केमिति पार्ट सब लगे कि बना जाए। देखंतु एटा होची हमर कैबिनेट, पुराणा कैबिनेट टा। एही कैबिनेट टारे सब गुड़िक पार्टस लगेबा एवं कंप्यूटर टी बनेबा। कंप्यूटर रे मेन होती मदरबोर्ड। देखिपारुथिबे एठारे गोटे M.2 SSD पड़ी। SSD माने होची मेमोरी कार्ड, माने आपण जहाँ भी कंप्यूटर रे स्टोर करी रखिबे से सबु एथिरे रहिबो। एटा गोटे पावरफुल M.2 NVMe SSD अटे। 250 GB रो SSD मु एठार लगेची। एही वीडियो रे आमे गोटे प्रोसेसर लगेबा। देखिपारुथिबे कंप्यूटर रे ए टाइप रो गोटे प्रोसेसर पड़ी थाए। एटा इंटेल कोर i3 6th generation रो प्रोसेसर अटे। प्रोसेसर टी लगेबा पई मदरबोर्ड रे एही जगह रे प्रोसेसर टी पड़िबो। आपण एठारे देखंतु प्रोसेसर रो गोटे चिन्ह दिया जायछि। से चिन्ह को मैच करिकि आपण प्रोसेसर टी पकेबे। चिन्ह को मैच करी प्रोसेसर टी रखिबा परे आकु एमिति एपरि आमे दबाई दबा एकदम टाइट हो लागि जिवो। एटा हला SSD, गोटे मेमोरी कार्ड कंप्यूटर पई। एही SSD टी आमे कंप्यूटर रे लगेबा। एटा गोटे 250 GB रो SSD। SSD टी लगेबा पई SSD रो स्टैंड रे एमिति लगा जाए। लगेबा परे एटा को दबाई कि गोटे स्क्रू लगा जाए। देखंतु मदरबोर्ड रे आमे SSD एवं प्रोसेसर लगे सारिले, दुईटी जिनिष लगे सारिले। एबे आमे मदरबोर्ड रे गोटे राम को लगेबा। राम एथिरे देखिपारुथिबे मदरबोर्ड रे चारोटी राम स्लॉट देइछि। एथिरे आमे चारोटी राम लगे पारिबा, किंतु एठारे मु गोटे ही राम लगेबी। देखिपारुथिबे एटा गोटे राम, एटा 4 GB रो राम अटे। आसंतु पकेबा राम टी। राम टी पकेबा पई आपण सिंपल एटा को ओपन करिवे। राम टी को एठारे लगाई कि जस्ट एमिति दबाई देबे। देखंतु राम टी लागी सारिछि। एबे आमे कैबिनेट रे एही मदरबोर्ड टी को फिक्स करिबा स्क्रू द्वारा। फास्ट आमे कैबिनेट रे गोटे पावर सप्लाई को लगाइबा। एटा एनटेक कंपाउंड रो 450 W रो पावर सप्लाई। कंप्यूटर को एहा करंट दे थाए। एथिरे बहुत गुडाय केबल रही थाए। को केबल टी केउटारे लागिबो ताहा आमे आगो को देखिबा। एटा को कैबिनेट रे फिक्स करिबा। पावर सप्लाई टी लागि जाइछि, ऊपर फिक्स हो जाइछि। एबे आमे गोटे फैन लगाइबा जहाँ कि आम कंप्यूटर को कूल रखिबो। देखिपारुथिबे एटा गोटे फैन। एही फैन टी लगाइबा। बजारे RGB फैन मध्ये आसुछि, आपण RGB फैन मध्ये लगाइ पारिबे। एबे आमे प्रोसेसर पाखरे गोटे फैन लगाइबा जहाँ कि आमर प्रोसेसर को एही फैन टी कूल रखिबो। देखिपारुथिबे एठारे चारिटी होल दे अछि। सेही चारोटी होल रे एही चारोटी को फिक्स करिबा। देखिपारुथिबे फैन टी फिक्स हो सारी। फैन पर गोटे फैन रो कनेक्शन रही था मदरबोर्ड रे। जोटी फैन लेखा हो CPU फैन सेठारे एहाकु प्लग इन करिवे। मदरबोर्ड रे आमे एठारे प्रोसेसर लगेले, प्रोसेसर फैन लगेले, SSD लगेले एवं राम लगेले। एही चारोटी जिनिष लगाइले या परे एही मदरबोर्ड टी को सेही कैबिनेट रे फिक्स करिवा। या छड़ा जो कैबिनेट रु किसी केबुल आसी, एटा होची आपण USB 3.0 रो केबुल टीए। ए सब होची ऑन ऑफ बटन, SSD लागी ना नहीं, ए सब इंडिकेटर लाइट रो ए सब केबुल अटे। ए केबुल सब को आमे परे कनेक्शन करिवे। मदरबोर्ड को लगाइबा पूर्वर मदरबोर्ड रे जते गुडी को कनेक्शन अछि, मदरबोर्ड सहित एटा गोटे स्टैंड आसी थाए। एही स्टैंड टी को लगाई कि मदरबोर्ड रे लगाइबे। देखिपारुथिबे स्टैंड टी लागि सारिछि। एबे आमे मदरबोर्ड रे लगाइबा। मदरबोर्ड रे जते गुडी को स्क्रू अछि सबु स्क्रू को आमे एठारे भिड़िबा। एठारे गोटे फैन कनेक्शन मध्ये आमे करिबा। एही फैन टी रो कनेक्शन टी फैन टी लागि सारिछि। आर केबुल को भी आपण सजाई पारिबे। एबे आमे जते गुडी को केबुल लगेबार अछि से सबु को लगाइबा। देखिपारुथिबे एटा गोटे पावर सप्लाई केबुल कंप्यूटर रे। देखिपारुथिबे एठार अछि, एठार जेतरा पिन अछि गणित बे पिन, एठार देखिबे पिन गुडी को सेम अछि। एटा एही पिन रे लागिबो। पिन टी लागि सारिछि, पावर सप्लाई टी लागि सारिछि। एबे आउ दुईटी पिन लगाइबो। एटा देखिपारुथिबे एही पिन टी लगाइबो, एठार एठार लागिबो। पावर सप्लाई रु जो दुईटा आसीथिला केबुल, से दुईटा केबुल आमे लगाइ सारिछन्ती। एबे आमे मदरबोर्ड रु आसीथिबा ए सब केबुल को लगाइबा।
ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ କେବୁଲଟିକୁ ଲଗାଇବା। ଯେଉଁ ବି କେବୁଲ ଆପଣ ଲଗାଇବେ ସେ କେବୁଲରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ପଢ଼ିକି ଲଗାଇବେ ମଦରବୋର୍ଡରେ। ଦେଖିବାକୁ ଥିବା କେବୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ହାଇଟ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ମଦରବୋର୍ଡ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସର ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ରାମ୍ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ SSD ରହିଥାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦେଇଅଛି। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 6 ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଅଛି। ଏଠାରେ କେବୁଲ ଲଗାଇକି ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ରାମ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଲଗାଇବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ କଭର୍ କରିଦେବା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ପଛପଟେ ଭିଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସ୍କ୍ରୁକୁ ଲଗାଇ ସାରିଛି। ଏଠାରେ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟାରେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଆମେ ଦେବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ୱାଇଫାଇ ଅନ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ପଛପଟେକୁ ଲଗାଇବା। ମନିଟରରୁ ଆସିଥିବା କେବୁଲଟି, ଡିସପ୍ଲେ କେବୁଲଟି ଲଗାଇବା, VGA କେବୁଲଟି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ପାୱାର କେବୁଲଟାକୁ ଲଗାଇବା। ତା ଛଡ଼ା କିବୋର୍ଡ଼ ମାଉସ୍ ଲଗାଇବା, ସ୍ପିକରର କେବୁଲ ଲଗାଇବା, ସବୁ କେବୁଲକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଛପଟେ ଲଗାଇବା। କିବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ମାଉସ୍ର କେବୁଲକୁ ଆମେ USB 2.0 ଲଗାଇବା। ସବୁତକ କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିସାରିଛେ, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ 2 ବୁଲୁଛି ଉପରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିସପ୍ଲେରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ Windows 11 କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଏ ଫ୍ରିରେ, ତା ବି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଓପେନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ YouTube କାଢ଼ିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ସବୁକିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।